हेलो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी मैं आशीष उबे आप सभी का स्वागत करता हूं तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने यूनिट फर्स्ट पढ़ी है जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमारी फिनिश हो चुकी है तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले ये जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है बच्चों हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि ऐसा चार्ज जो कि रेस्ट पोजीशन पे हो उसकी स्टडी करना उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडिक्स दैन जस्ट उसका अपोजिट यह है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऐसा चार्ज जो कि मूवेबल हो यानी कि फ्लो कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो उसे हम कहते हैं क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करेंट बच्चों क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जो चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर इसे सिंपल भाषा में ऐसा समझा जा सकता है इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज टू द टाइम यानी चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं मान लेते हैं इफ चार्ज क्यू फ्लोज इन टी सेकेंड मान लेते हैं कि टी सेकेंड में हमारा चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है तो उस हिसाब से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हम इसे आई से डोनोट करते हैं तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी ठीक है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉइंट टी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इट्स यूनिट इज एम्पियर ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है एम्पियर है अब वो इसके लिए एक जो करेंट को मेज़र करने के लिए एक हम डिवाइस का यूज़ करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं एमीटर ठीक है ये ज़रा ध्यान में रखना आप लोग तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करेंट अब हम बात करते हैं करेंट डेंसिटी की थी करेंट डेंसिटी क्या होती है द करेंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस एक्शन एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड द करेंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट यानी कि किसी कंडक्टर में एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी इसकी यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर करंट डेंसिटी को हम से डोनोट करते हैं इसका फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया यानी कि जे इक्वल टू आई अपॉन ए ये होती है हमारी करंट डेंसिटी हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है द एवरेज स्पीड एट विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि किसी कंडक्टर में से किसी कंडक्टर में से जो कि कंडक्टर कहाँ पर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर में से जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ध्यान से सुनना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस कंडक्टर में से जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है टेन की पावर माइनस फोर सेकेंड इन्वर्ट्स तो ये होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में जान लिया है देन अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी इसे ज़रा अच्छे से समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है ये ज़रा देखते हैं लाइट एन बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर मान के चलते हैं हम कि जो एन है वह है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वी डी मान लेते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो है वी डी वी यानी वेलोसिटी डी इसमें लगा हुआ है यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए और जो एरिया है वो कितना है आपका ए है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड तो एक सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू हो रहे हैं कंडक्टर से वो कितने हो जाएंगे एन ए वी डी बट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ही लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे वो है हमारा ई हैंस टोटल चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड तो जो टोटल चार्ज फ्लो हो रहा है एक सेकेंड में यानी कि जो हमारा करंट है वो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू एन ए वी डी ई यानी ये हमारा ये करेंट यहाँ से निकल आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अब यहाँ से हम ए को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आई अपॉन ए इक्वल टू एन वी डी ई अब क्या है क्या okay, हमें पता है जो हमारी करंट डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा जे इक्वल टू आई अपॉन ए तो यहाँ पर हम आई अपॉन ए की जगह क्या रख देंगे जे रख देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये हमारा जे इक्वल टू एन वी डी ई दैट इज़ करंट डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि करंट डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ओके okay, बच्चों ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशनशिप थैंक यू बच्चों